मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। लिटरेचर फेस्टिवल में बनी फिल्म सितारे राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा आकर्षण का केंद्र, अपने जीवन पर डाला प्रकाश, कहा संघर्षों के बाद पहुंचा हूं आज इस मुकाम पर। बॉलीवुड सितारे शत्रुघ्न सिन्हा आज अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने अजमेर आए। आदर्श नगर स्थित मुकुंद गार्डन में लिटरेचर फेस्टिवल के समापन अवसर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बड़ी मेहनत के बाद इंसान कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ और बाप दोनों है। एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि देश में एक ही महानायक हुआ है और वह है जयप्रकाश नारायण। वर्तमान में अगर कोई लायक है तो वह नरेंद्र मोदी। शहर के लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा से उनकी निजी जीवन, राजनीतिक जीवन और फिल्म जगत के जीवन से जुड़ी कई सवाल पूछे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग बहुत उत्साहित दिखाई दिए। एक मंत्र और लेके निकला वहां से जी, पुणे इंस्टीट्यूट से, और वो मैं सब जगह यहाँ भी यंगर जनरेशन को कहता हूँ, मेरी किताब में भी है। जहाँ जहाँ कहीं मोटिवेशनल स्पीच पे बुलाया जाता है मैं वहाँ जाके बताता हूँ, और ये ज़रूर कहता हूँ मैं अपने बच्चों को, लव कुश को, सोनाक्षी को भी, वो भी कहती है कि पापा ने ये कहा था, हमको याद है। और आज मैं फिर दोहराता हूँ इस माध्यम के जरिए, राज बिहारी जी आपके जरिए, कि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट। इन केस यू डोंट प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट, देन प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वाह वाह वाह। अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को सबसे अलग, सबसे भिन्न साबित करके दिखाओ। मैं ये दावा तो बिल्कुल नहीं करता कि मैंने अपने आप को सबसे बढ़िया साबित करके दिखाया है, लेकिन यकीनन ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा अलग साबित करके दिखाया है। अपनी ओरिजिनलिटी मत खो, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर ओरिजिनलिटी। अपने संस्कार को मत खो, उसे पकड़ कर रखो और आप चलो आगे, रास्ता बन जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे कितने सारे कलाकार देश में, मैंने सुना है कुछ विदेशों में भी हैं, और रीजनल फिल्म्स में, साउथ इंडिया में, हिंदी फिल्मों में, दूसरे बंगाली फिल्मों में, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हैं। ये मेरा सिग्नेचर ट्यून बन गया है, खामोश वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो गया। पाकिस्तान जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ कहती हैं अंकल एक बार खामोश बोलिए ना, खामोश बोलिए ना। आप खुद देखेंगे खामोश का मतलब जो है बड़ा क्रूड है, रूड है, शट अप, कोई बता। लेकिन आज खामोश का अंदाज बदल गया है, क्योंकि आपका चाहने वाला चहेता इंसान आपको जिस तरह से पेश कर रहा है। तो आज हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा होता है, खामोश। बच्चे बोलते हैं पापा मम्मी खामोश, बुरा नहीं मानते, खामोश खामोश इतना हो गया है ये करके, क्योंकि उसके अंदाज में एक मिठास है, अंदाज बदल चुका है। अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात, नई बात नहीं। 4th अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल जो 21 तारीख से शुरू हुआ, आज 24 तारीख को उसका समापन सत्र है। इन चार दिनों में अजमेर के शुद्धि श्रोताओं ने, साहित्यिक वातावरण बहुत सघन रहा, शब्दों की बार बही, कविताएं सुनी गई, कथित किस्से कहानियां सुनी गई, और ऐसे ऐसे विषयों पर विमर्श हुए जो समाज के बहुत समकालीन विषय हैं, जिनकी बहुत ज़रूरत महसूस की जाती है। उन सब विषयों पर विमर्श हुए, और उन विषयों में मुख्य रूप से कई विषय थे, सोशल मीडिया भी था, राजनीति भी थी, पत्रकारिता भी थी, साहित्य तो था ही था। गोपालदास नीरज ने इसका श्री गणेश किया था, उसके साथ मनीष सिसोदिया जैसे मुख्यमंत्री आए, राव राजेंद्र सिंह भारत राजस्थान सरकार के मंत्री आए, सुरेश शर्मा आए, और उस क्रम में लगभग हमारे 40 से 50 डेलीगेट्स आए। अजमेर का भी प्रतिनिधित्व रहा, अजमेर के गोपाल माथुर से लेकर के सुरेंद्र चतुर्वेदी, बख्शी सिंह, नवल किशोर भावड़ा, अनेकानेक डॉक्टर विमलेश जैसे साहित्यकारों ने इस पर पार्टिसिपेट किया।
आज जो समापन है उसमें एक सत्र मात्र है जिसमें हम बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं, जिनसे हम विमर्श करेंगे नेता बनाम राजनेता, क्योंकि वो राजनीति और अभिनय दोनों के क्षेत्र में रहे हैं। और उसी के साथ फिर हम हमारा समापन सत्र होगा। हमेशा की तरह हम इसे उत्साहपूर्वक एक स्थगित करेंगे एक वर्ष के लिए। अगले वर्ष फिर नई ऊर्जा के साथ, नई उमंगों के साथ, नए विचार के साथ, नई अभिकल्पना के साथ हम आपके हमारे श्रोता और पाठकों के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीद है अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल का ये संस्करण सभी को, कम से कम साहित्य प्रेमी लोगों को, बहुत पसंद आया होगा और हम अपनी पहल में कामयाब रहेंगे। सिंधी भाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष पर निकले रथ, पुष्कर से रवाना हो गए 7 संभागों के लिए रथ, सिंधी भाषा को मान्यता मिले हुए हो गए हैं 100 साल। अजमेर सिंधु सभा की ओर से सिंधी भाषा को मान्यता मिले 6 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न स्थानों के लिए प्रथम रथ को रवाना किया गया। पुष्कर में रथों को रवाना करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिंधी समुदाय के बड़े संत महात्माओं ने भाग लिया। सिंधु सभा की ओर से 100 वर्ष पूर्ण होने की खुशी जताई गई। 7 संभागों के लिए निकलने वाले रथों के माध्यम से सिंधी समुदाय, सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी देकर जोड़ा जाएगा। भारतीय सिंधु सभा की ओर से राजस्थान सिंधी अकादमी के सहयोग से सिंधी भाषा की मान्यता को स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 7 संभागीय रथों का शुभारंभ पवित्र तीर्थ नगरी तीर्थराज पुष्करराज से श्री शांतानंद उदासीन आश्रम में संतों महात्माओं द्वारा पूजा अर्चना धर्म ध्वजा फहरा करके शुभारंभ किए गए। 7 संभागों में निकलने वाले इन रथों के लिए स्वामी हनुमान राम जी, महंत रामुनि जी, ओमलाल शास्त्री जी, स्वामी आत्मदास जी, स्वामी फतनदास जी, साईं ईश्वरदास जी, दादा नारायणदास जी सहित राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष हरीश राजानी जी, सचिव ईश्वर मोरवाणी जी व भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भगत राम जी, प्रदेश के मार्गदर्शक माननीय कैलाश चंद जी शर्मा व प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये सारा कार्यक्रम तीर्थराज पुष्कर में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य में 7 संभागों में 7 रथ जो है भाषा के जनजागरण के लिए रवाना किए गए। सबसे पहले जो रथ रवाना हुआ उसको यहाँ पर सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक पर हिंगलाज माता पूजा अर्चना करने के पश्चात नगर भ्रमण करते हुए आगे विजयनगर के लिए रवाना किया गया। अजमेर संभाग के अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर व बीकानेर के सहित सभी संभागों के लिए 7 रथ यात्रा में प्रचार सामग्री राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के सहयोग से छपवा कर भिजवाई गई। हरी सेवाधाम सनातन मंदिर भीलवाड़ा की ओर से सनातन संस्कार व सिंधु चिन्ह के स्टिकर छपा कर भी वितरित किए गए, जो राज्य भर में सभी तहसीलों में भ्रमण करते हुए आगामी 31 दिसंबर को सायं 4 बजे जयपुर में हेमू कालानी पार्क पर समापन होगा और इसका समापन समारोह जयपुर में आयोजित किया गया है। महेंद्र कुमार तीर्थानी, प्रदेश महामंत्री, भारतीय सिंधु सभा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश वर्ष शुरू हुआ, धूमधाम से हाथीपट स्थित गुरुद्वारे में लगा कीर्तन दरबार, रागी जत्तों ने बहाई धर्म की धारा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश वर्ष का प्रारंभ हाथीपट स्थित गुरुद्वारे में शुरू हुआ। 2 दिन चलने वाले इस उत्सव में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर कोलकाता सहित अन्य स्थानों से आए रागी जत्तों ने धर्म की धारा को बहाया। कार्यक्रम में सिख धर्म के सभी विशेष संदेश पर प्रकाश डाला गया। सिख समुदाय ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर उनके द्वारा मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व जो कि 24-25 तारीख को मनाया जाएगा, यह गुरुपर्व हमेशा ही हाथीवाटा गुरुद्वारा कमेटी मनाया करती है। आज सुबह 24 तारीख को आशा जी वार का कीर्तन सुबह प्रारंभ हुई, जो कि तकरीबन 11 बजे तक चले। उसके बाद रागी जत्थे भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी कलकत्ता वालों ने कीर्तन करके संगत को निहाल किया। उसके उपरांत प्रचारक भाई साहब भाई इंदौर वाले भाई साहब ने गुरु महाराज का इतिहास श्रवण करा के संगत को निहाल किया। भाई साहब भाई करतार सिंह जो कि इंदौर निवासी हैं, उन्होंने गुरु महाराज के 4 साहबजादे व गुरु महाराज की शहादत व गुरु महाराज का प्रकाश पर्व प्रकाश डाल के संगत को निहाल किया। वह गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा बताया गया मार्ग पर चलने के लिए संगत को आग्रह किया। संगत से निवेदन अधिक से संख्या पधार कर हाथीपटा गुरुद्वार पहुँचे और 25 तारीख का मेन दीवान मोनिया समय स्कूल के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सजाया जाएगा। बस शाम का दीवान वापस 25 तारीख को हाथीपटा गुरुद्वारे सजाए जाएंगे, जो कि शाम को 11 बजे तक चलेंगे।
गुरु महाराज का पावन प्रकाश 25 तारीख शाम को यहाँ मनाया जाएगा। आतिशबाजी बैंड बाजों के साथ खुशियों का इजहार किया जाएगा। नरेंद्र सिंह छावड़ा, सचिव श्री गुरु सिंह सभा, हाथीवाटा गुरुद्वारा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। सातवें वेतन आयोग को लेकर कहा सरकार ने किया है धोखा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को विचार विमर्श किया गया। शिक्षक नेताओं ने सातवें वेतन आयोग को लेकर भारी नाराजगी जताई। नेताओं ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के वेतन को लेकर विश्वासघात किया है। शिक्षक संघ की ओर से शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई तरह के आंदोलन और प्रदर्शन चलाने के निर्णय भी दिए गए। देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष जिला मंत्रियों की आज एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। हमारे वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार साल में हम 4 बैठक आयोजित करते हैं, उसी क्रम में आज की बैठक थी। इस बैठक में हमने शिक्षक समाज के समक्ष जो विद्यमान समस्याएं हैं उनके ऊपर चिंतन किया है। PPP मोड की जो सरकार की नीति है और सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो लागू हुई है और उस रिपोर्ट में सरकार ने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है इस पर चिंतन किया है। इन सब मुद्दों को लेकर के संगठन पिछले लंबे समय से आंदोलनरत रहा है। हमने उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर आंदोलन कर सरकार को ज्ञापन दिए हैं। विभिन्न अवसरों पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से PPP मोड के द्वारा जो राज्य के शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को और शिक्षा जगत को हानि होने वाली है उसकी जानकारी दी है। उसके बावजूद सरकार के रवैये में जो कुछ परिवर्तन नहीं आया है, इन सब विषयों को लेकर राज्य भर से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष, जिला मंत्रियों ने, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। इन बातों का निष्कर्ष निकाल कर आगे के आंदोलन के संबंध में हम विचार कर शीघ्र ही रणनीति तय करेंगे। ये आज की बैठक है। उपचुनाव में आ रहे हैं, उसमें लेके क्या रहे हैं? नहीं, उपचुनाव और ये जितने भी अन्य चुनाव होते हैं उसके संबंध में हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन निश्चित बात है कि सरकार कर्मचारियों के साथ जिस हद तक संवेदनहीनता का दृष्टिकोण दिखा रही है, ये निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हम सब कर्मचारी इस बात से खिन्न हैं और निराश हैं। प्रहलाद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। विस्तार से पढ़ने के लिए logon karein faizalhind.com, सच के साथ। Jungle.